जौनपुर के खुटान थाना क्षेत्र के त्रिकौलिया गांव में एक सप्ताह पूर्व पुल पर चढ़कर तार जोड़ते समय करंट लगने से झुलसे संविदा लाइनमैन की इलाज के दौरान मौत के मामले में शनिवार की देर रात ब्लॉक प्रमुख के हस्तक्षेप पर थाना पुलिस ने विद्युत उपकेंद्र पर तैनात SSO के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद स्वजन ने शव का पिलखिचा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया। पिलखिचा गांव के नकवी पूर्वा निवासी 29 वर्षीय कमलेश बिंद पुत्र गोरेलाल करीब 8 वर्षों से संविदा पर प्राइवेट लाइनमैन का काम करते थे। गत 6 नवंबर को वह शट डाउन लेकर पोल पर चढ़कर तार जोड़ रहे थे। इसी दौरान किसी ने लापरवाही से विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी। कमलेश बिंद झुलस कर नीचे गिर गए। उनके गले व कंधे की हड्डी भी टूट गई थी। जिला चिकित्सालय में हालत में सुधार न होने पर स्वजन ने आजमगढ़ ले जाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उनकी शुक्रवार की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद शनिवार की रात शव घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। माता चिता देवी व परिवार के अन्य सदस्यों के करुण क्रंदन से माहौल गमगीन हो गया। आक्रोशित स्वजन का कहना था कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार शुक्ला ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इस दौरान वहां पहुंचे ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव भी स्वजन के समर्थन में बैठ गए। मामले को तोल पकड़ता देख पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर SSO रामू यादव के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया।